बच्चों सबको ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आप लोग घर पर रहकर पढ़ाई करो और हम जो पढ़ाई तुम्हें देते हैं तुम उसे ध्यान से देखो। बाहर मत निकलो, कोरोना से दूर रहो, यह हम सब की इरादा है। बच्चों बताओ तुम्हारे लिए जो हर सामान लेकर देते हैं और तुम्हारी मन की बात जो समझ सकते हैं, तुम जो चाहते हो तुम्हारी मन की बात जो समझ सकते हैं, ये लोग तुम्हें कैसे लगते हैं? जरूर बोलोगे ये तुम्हारे लिए प्रिय है। आज तुम्हारे लिए एक नया विषय है, इसका नाम है प्रियतम। किताब निकालो, विषय है प्रियतम। इसका कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिषादल नामक एक नगर में 1897 ईस्वी को हुआ था। वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उनका जीवन अभावों से और विपत्तियों से घिरा हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। हमेशा संघर्ष करते रहे, जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन वे बड़े दानी और स्वाभिमानी थे। वे हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे, संगीत के अच्छे जानकार थे, वे छायावादी युग के कवि थे। उन्होंने मुक्त छंद में लिखना शुरू किया। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों में विषय का अंश बनाया। अन्याय, अत्याचार अथवा संकीर्णता के प्रति सदा वे विद्रोही रहे थे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया था। दीन दुखी पीड़ित जनता के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। उनकी काव्य कविताओं में जीवन संग्राम में लड़ने की प्रेरणा निहित है। उनकी काव्य कविताएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुर मुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि काव्य संग्रह हैं, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि उपन्यास हैं, चतुरी चमार, शुक्ल की बीबी ये सब कहानी संग्रह हैं, प्रबंध प्रतिमा निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत कविता में हम देखेंगे भगवान विष्णु किसान को अपना सबसे बड़ा प्रिय भक्त माना है। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगती। नारद जी कैसे परीक्षा भगवान के पास दी थी और अंत में कौन सच्चे भक्त भगवान के बने, वही बात हम इस विषय में देखेंगे। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य सुख भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा मैं उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ, देखा हॉल जोत कर आया
वह दोपहर को दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल तीन बार नारद चकरा गए। दिवारात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए वे विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखो किसान को दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा काम एक आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। इतना ही देखेंगे, कविता को अभी समझेंगे। इसमें जो कष्ट शब्द है इसको पहले देखेंगे, इसके बाद इसको व्याख्या करेंगे। मृत्यु लोक, पृथ्वी या संसार। पुण्य श्लोक, पवित्र, यश या कीर्ति वाला। प्राणों से प्रियतम, जीवन से भी प्यारा। स्मरण, इसका मतलब है याद। चकराना, हैरान होना या चकित होना। दिवारात्रि, दिन रात। अभी इसका अर्थ देखेंगे। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। नारद किसके पास गए? विष्णु, भगवान विष्णु के पास गए। जाकर उन्होंने पूछा, मृत्यु लोग में वह कौन है पुण्य श्लोक, मरते लोग में कौन है वह पुण्यात्मा जो आपका प्रधान भक्त है? हे भगवान, आपका प्रधान भक्त कौन है? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। भगवान विष्णु का एक भक्त है, वह है किसान, जो भगवान के प्राणों से भी प्रियतम है। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा, क्योंकि भगवान के नाम को नारद दिन रात जपते रहते हैं, वे और किसी की प्रशंसा नहीं सह सके। ये हंसे, विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। भगवान विष्णु हंसने लगे और बोले कि आप ले सकते हैं। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। नारद कहाँ पर गए? भक्त कहाँ पर है उनको ढूंढ कर वहाँ पर पहुंच गए। देखा उन्होंने, वहाँ पर पहुंच कर देखा, किसने पहुंच कर देखा? नारद ने। नारद ने किसको देखा? एक किसान को देखा। हॉल जोत कर आया वह दोपहर को। वह किसान किस समय आया? वह दोपहर के समय घर को आया, हल जोत कर आया। दरवाजे पहुँच कर राम जी का नाम लिया। वह जिस समय घर पहुँचा तो वह भगवान का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। घर को आया, स्नान किया, भोजन किया और फिर काम पर चला गया। किसान कहाँ पर काम करता है? अपने खेत में काम करता है, तो वहीं पर वह काम करने के लिए चला गया। उस वहाँ पर काम करता रहा। शाम को फिर दरवाजे पर आया। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। शाम समय का मतलब संध्या समय में वह किसान अपने घर को लौट आया और भगवान का नाम लिया।
प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। फिर सुबह हो गया, सुबह के समय भी एक बार भगवान का नाम वह स्मरण करके अपने कर्म क्षेत्र को चला गया। बस केवल 3 बार नारद चक्र आ गए। नारद देखे वह किसान जो भगवान के प्राणों से प्रियतम है, वह श्रेष्ठ भक्त भगवान के हैं, वह किसान सिर्फ 3 बार ही भगवान का नाम लेता है। यह सोचकर नारद जी के माथे चक्कर लगाने लगे और दिवारात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग। वह नारद तो एक भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं और ऋषि मुनि लोग भी दिवारात्रि भगवान के नाम जपते हैं, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। ये किसान ही भगवान का श्रेष्ठ भक्त हो गया। गए हुए विष्णु लोग, हुए नारद जी कहाँ गए? विष्णु लोग गए भगवान के पास। बोले भगवान से, देखो किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके जो श्रेष्ठ भक्त है वह सिर्फ दिन भर 3 बार ही नाम लेता है और वह आपका श्रेष्ठ भक्त हो गया। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु नारद जी को बोले, आवश्यक दूसरा काम एक आया है। भगवान विष्णु और एक दूसरा काम ढूंढ लिए, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता, ये काम और कोई नहीं कर सकता। भगवान विष्णु नारद जी को ही वह काम करने के लिए बताया। बच्चे, आज के लिए इतना। तुम्हारे लिए गूगल फॉर्म में कुछ प्रश्न है और कुछ पीडीएफ में प्रश्नोत्तर दिया गया है, इसको जरूर लिखना। गूगल फॉर्म का प्रश्न को भी लिखना, उत्तर को लिखना, अपनी कॉपियों में जरूर लिख कर रखना। और बाद में अगले वीडियो में हम इस विषय का दूसरा पार्ट देखेंगे। आज के लिए इतना।